यदि कोई ग्राहक बगैर मास्क के आ जाते हैं तो क्या करते हैं? हम देते नहीं उनको कपड़े। ग्राहक बिल्कुल भी नहीं, अभी ग्राहकों में डर है, किराएदार बहुत सारे चले भी गए हैं। उत्तर प्रदेश में अलोक प्रक्रिया पूरे तरीके से शुरू हो गई है। अगर बात करें बुलंदशहर की तो बुलंदशहर में भी आज अलोक हो गया है, लॉकडाउन के ताले हट चुके हैं। आपको बता दें, सहयोगी से कहूँगा कि ये मार्केट को दिखाएं, मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं दोबारा उस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है, खुल गई हैं दुकानें। जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राहक आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये वो मार्केट है, चौक बाज़ार बुलंदशहर की मेन मार्केट है, जहाँ पर ज़्यादातर ग्राहक रहते हैं। यहाँ पर लेडीज सूट वगैरह की भी दुकान है, बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी से कहूँगा मेरे साथ आएँ और यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान भाई। जैसे अभी लॉकडाउन था, फिलहाल लॉकडाउन खुल चुका है और ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं, बहुत कम आ रहे हैं। तो बहुत कम आ रहे हैं जी, बहुत कम आ रहे हैं। यानी अभी तो खैर लोगों को ठीक से पता भी नहीं होगा कि अनलॉक हो गया। वैसे पता तो सबको ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बाहर निकलेंगे, कोशिश करेंगे निकलने की। तो आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट रख रहे हैं जो कोविड है उसके बचाव के लिए? सैनिटाइजर है। अच्छा। और भी रख रखे हमने, तो भी रहे सैनिटाइजर भी है। सैनिटाइजर भी है जी। यदि कोई ग्राहक बगैर मास्क के आ जाते हैं तो क्या करते हैं? हम देते नहीं उनको कपड़े। डील नहीं करते नहीं। चलो, कहीं ना कहीं ये अच्छे नागरिक की पहचान है, अगर कोई बगैर मास्क के आ रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें कहना भी चाहिए, बाहर खड़ा करते हैं तो उनको उनसे कहें भी, और सोशल डिस्टेंसिंग के सारा काम अच्छा हो तो और भी अच्छा लगे। हाँ हाँ, क्योंकि 532 केसेज हैं फिलहाल एक्टिव जो है बुलंदशहर के अंदर। अगर ये 600 से ऊपर हो जाते हैं फिर लॉकडाउन की संभावना है, तो पूरे तरीके से जागरूक हैं जी जी। चलो, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। आज ही रौनक बुलंदशहर के अंदर आई है, पूरे तरीके से अनलॉक हो गया है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं मेरे साथ, आए सहयोगी से कहूँगा बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अनस। अरे भाई, अभी फिलहाल जो है अनलॉक हो गया है बुलंदशहर, 532 केसेस एक्टिव हैं और आज ही अनलॉक हुआ है, ग्राहक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? ग्राहक बिल्कुल भी नहीं, अभी ग्राहकों में डर है इस चीज़ का कि कहीं फिर से महामारी का शिकार ना हो जाए, तो इस चीज़ का ग्राहकों में बहुत डर है, अभी निकल नहीं रहा। तो आपने कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या रख रखा है? हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है फिलहाल तो, और अभी कोई ग्राहक आया भी नहीं है तो बैठे हुए हैं, बस इंतज़ार ही कर सकते हैं। सुबह से कोई ग्राहक भी नहीं आया है, कहीं ना कहीं लोगों बागों के ऊपर असर भी पड़ा है लॉकडाउन का, है ना? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। दुकानें खाली हो चुकी हैं, दुकानों में भी माल नहीं है, जो था किराएदार बहुत सारे चले भी गए हैं, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है इस टाइम। कहीं ना कहीं एक प्रयास किया जा रहा था कि दूसरी लहर की कोरोना की जो तुई थी इसकी चैन को तोड़ा जाए, और वो चैन को तोड़ा भी, कहीं ना कहीं इसके ऊपर परिणाम देखने को मिला भी है कि केसेस कम हुए हैं। यूपी की बात करें, अगर बुलंदशहर की बात करें तो केसेस कम हुए हैं, एक्टिव केस 532 के करीब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने गरीबों के ऊपर भी कहीं ना कहीं मार डाली है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ये बंदे वगैरह बेचते हैं भाई, इनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई? मेहता वालम। अच्छा भाई, अनलॉक हो गया है बुलंदशहर आपका, पहले लॉकडाउन था, अब ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई एक भी ग्राहक नहीं आया, सुबह से ये टाइम हो गया, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है। जी जी। तो आप क्या क्या रख रहे हैं उस कोरोना के बचाव के लिए? सैनिटाइजर है, कस्टमर आता है तो उससे सैनिटाइज कराते हैं पहले, और उससे मास्क नहीं कहते कि मास्क लगाइए, उसके बाद आपको माल सामान मिलेगा कुछ। यानी पूरे तरीके से जागरूक है? बिल्कुल बिल्कुल। ये मार्केट के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है, अगर ग्राहक आता भी है तो पहले उसको सैनिटाइजेशन कराया जाता है, फिर उसको कहा जाता है कि अपना मास्क पहने। और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि लॉकडाउन की वजह से जो है अभी ग्राहक आया भी नहीं है बाहर, और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, जो किराएदार थे उन्होंने अपनी दुकानें भी बंद कर दी है, कहीं ना कहीं असर भी पड़ा है, लेकिन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया, कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी अच्छा निकला है। और भी लोग हैं यहाँ पर, मैं सहयोगी से कहूँगा मेरे साथ आएँ, यहाँ पर मौजूद हैं और दिखाएँ। कुछ यहाँ पर महिलाएँ ख़रीदारी कर रही हैं, सामान खरीद रही हैं। ये क्या नाम है भाई? मोहम्मद आमिर। अरे भाई, अनलॉक हो गया है, लॉकडाउन खुल चुका है, ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, कल के तो आ ही रहे हैं। आ रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, तो सैनिटाइज वगैरह रख रखा है आपने? नहीं, सैनिटाइज वगैरह सब चीज़ है, सब चीज़ रख रखी है। यदि कोई ग्राहक बगैर मास्क के आ गया तो क्या करते हो? उसका मना कर दिया उसको, तो अभी तक कि सब यहाँ मास्क बिक रहे हैं और उनको मास्क दिलवा रहे हैं बिलो वाला। माता जी यहाँ पे खड़ी हुई है, माता जी क्या नाम है? मेरा रामा देवी। आप शॉपिंग करने आई हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, अब अनलॉक हो गया है, कैसा लग रहा है? पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन खुल गया, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, सही लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कोविड से बचाव के लिए क्या क्या कर रही हैं आजकल? भैया काहे से बताए, मास्क वगैरह चल लगा रहे? हाँ, मास्क लगाते हैं हर समय, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ 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 हाँ। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं देश में जागरूकता है, लोग बाग जागरूक हैं कोविड को लेकर,
क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था, कहीं ना कहीं परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ महिलाएं हैं जो खरीदारी कर रही हैं। क्या नाम है भाई आपका? फैसल। फैसल, ये बताइए, अनलॉक हो चुका है, पहले बुलंदशहर लॉकडाउन था, अब जैसे अनलॉक हो गया है, ग्राहक आ रहे हैं? जी पहले से तो बेहतर है, जैसे पहले की स्थिति थी अब ऐसी नहीं है, कस्टमर अच्छे आ रहे हैं पहले से। जी ये बताइए, अगर कस्टमर कोई विदाउट मास्क आ जाता है आपके पास तो क्या करते हैं भाई? कस्टमर से बोलते हैं कि मास्क लगाएं और आप गैप रखें बीच में। अच्छा, अच्छा, सैनिटाइजर वगैरह रख रखा है आपने? इस टाइम तो नहीं है फिलहाल, वैसे रहता है। रख लीजिए क्योंकि ज़रूरी है, और रख लेंगे वो आप ही के लिए है। ठीक है भाई, ठीक, अभी रखो। देखिए ये कहीं ना कहीं रौनक फिर से दोबारा लौटकर बुलंदशहर के अंदर आई है, दुकानें खुली भी नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ग्राहक नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर लौटेगी। फिलहाल ये बुलंदशहर का हाल था, आपको तमाम मार्केट का हमने दिखाया कि मार्केट में लोग बाग भी हैं, खरीदारी कर रहे हैं, और तमाम लोगों को दिखाया कि यहाँ पर जो खरीदारी कर रहे हैं वो यहाँ पर सैनिटाइज़र भी रख रहे हैं अपने साथ में और मास्क भी लगा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो पूरी तरीके से जागरूक हैं। अंदर और एक मार्केट है, वहाँ भी चल के लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे। साथ मैं कहूँगा सहयोगी से मेरे साथ आएँ, क्योंकि ये पूरी मार्केट लेडीज़ मार्केट है। भाई मास्क क्यों नहीं लगा रखा तुमने? मास्क लगाओ पहले। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? जीशान अंसारी। जीशान भाई, अब अनलॉक हो गया है तो ग्राहक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? ये आ रहे हैं फिलहाल तो। अच्छा, आ रहे हैं, यानी पहले से कम होंगे कुछ? हाँ कम ही है पहले। अगर कोई ग्राहक जो अगर बगैर मास्क के आ जाता है क्या करते हैं? बगैर मास्क के वही लेडीज़ आती हैं हमारे पास, तो ज़्यादातर उनके लगा हुआ ही होता है। अच्छा, जेंट्स तो बहुत कमी थे, वो तो मास्क लगा कर आ रहे हैं। सहयोगी से कहूँगा इस मार्केट को पूरी तरीके से दिखा दें, हालांकि ये एक जानी मानी मार्केट है चौक बाज़ार की बुलंदशहर के, और यहाँ पर ग्राहक आते रहते थे, लेकिन फिलहाल अभी ग्राहक देखने को नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी लोग बागों के अंदर जागरूकता है, वो डरे हुए हैं कोविड को लेकर और अपनी सेफ्टी को पूरी तरीके से बरत रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बुलंदशहर में अनलॉक जैसे ही हुआ है तो कुछ दुकानों पर रौनक तो आई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर हंसी भी खुशी भी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं लोग बाग उदास भी हैं क्योंकि ग्राहक नहीं है। कैमरा पर्सन शुएब और अपने सहयोगी जीशान के साथ मैं याया खान, Time24 न्यूज़, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।